हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली शहर में सोमवार की सुबह कोरोना पॉजिटिव दो मरीजों की मौत हो जाने के बाद शहर के जंगीवाड़ा तथा सदर थाना क्षेत्र के मंडिया गांव में दहशत का माहौल है। वहीं सोमवार को 5 और पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। सदर थाना प्रभारी के अनुसार मंडिया गांव निवासी एक युवक मुंबई से लौटा था तथा रविवार को इसकी अचानक तबीयत खराब होने पर इसे बांगर अस्पताल लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद इसे मृत घोषित कर दिया था। इसका शव रविवार को मोर्चरी में रखवाकर सैंपलिंग की गई थी, जिसकी सोमवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंडिया गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं परिजनों एवं इसका उपचार करने वाले डॉक्टर व नर्सिंग कर्मियों को भी आइसोलेट करने के बाद इनके भी सैंपल लिए गए हैं। मंडिया व आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सा विभाग की ओर से स्क्रीनिंग करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो वहीं मंडिया गांव में कर्फ्यू लगाया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में जंगीवाड़ा में भी शनिवार रात से ही कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन यहां पर किसी को भी घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सोमवार को जारी हुए कोरोना बुलेटिन में शहर के 5 और पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 67 तक जा पहुंचा है, लेकिन 18 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं, जिसके चलते अभी भी बांगड़ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 49 लोगों का उपचार चल रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से पाली शहर में रोजाना लगभग 200 लोगों की सैंपलिंग करवाकर मेडिकल कॉलेज पाली में जांच करवाई जा रही है। दूसरी ओर पाली शहर में 65 में से 52 वार्डों में कर्फ्यू क्षेत्र घोषित करने के बाद इन इलाकों में आवश्यक सेवाओं की सप्लाई सरकारी स्तर पर करवाई जा रही है। जिन दो लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है, इन दोनों का अंतिम संस्कार कोविड-19 के मापदंडों के अनुसार चिकित्सकों की मौजूदगी में करवाया जा रहा है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।